जलंधर के अत्याचार से त्राही त्राही मच गई। भगवान शंकर ने जलंधर के साथ अपार संग्राम किया, लेकिन वह धनुज, वो दानव दैत्य मर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पतिव्रता वृंदा महापतिव्रता थी, और उसके पातिव्रत का बल ही उस असुर का कवच बना हुआ था, और इसके कारण वो मर नहीं रहा था। तब भगवान ने क्या किया? बोले, छल कर टारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, तब ते ही जान्यो मरम तब श्राप कोप कर दी। छल पूर्वक भगवान ने वृंदा के पातिव्रत को भंग किया और देवताओं का काम बनाया, और जब वृंदा को पता चला कि मेरा पति जलंधर नहीं, ये तो नारायण है, तो उसने शाप दे दिया। अब देखिए, ये एक विचित्र बात है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? लोग कह सकते हैं भैया भगवान ही ऐसा करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, तो भगवान की बनाए तो हम हैं, हम छल कपट करें तो कौन सी आफत आ गई, कोई अच्छे रहे, हमारे लिए तो कानून बना दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपनी ओर तो देख लें भले आदमी, छल कर तारी उता सुब्रत प्रभु सुर का, आप छल क्यों करते हैं? हम आपसे झूठ बोलें और आपसे सत्य व्यवहार की अपेक्षा करें तो गलत है कि नहीं? उचित, आप निश्चल व्यवहार चाहते हैं, आप भी निश्चल हो जाइए। तो भगवान की ये लीला जल्दी समझ में नहीं आती है, पर इस लीला को ठीक से समझना चाहिए। क्या करें, घड़ी नहीं बत कह रही है कि तुम आगे बोलो, लेकिन है बड़ी रहस्य की बात, बड़ी सूक्ष्म बात। भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने तो जैसे को तैसा किया, जैसे को तैसा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। आप भगवान को जैसे भजोगे, भगवान वैसा ही करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले छल किया जलंधर ने, आप पुराण उठाकर देखें, जलंधर शिवजी का स्वरूप धारण करके भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती का सतीत्व नष्ट करने के लिए कैलाश पहुंच गए। जिस कंदरा में भगवती विराज रही थी, कहीं पहुंच गया और माया से ऐसा रूप शिवजी का बनाया कि भगवती भी पहचान न सकी कि यह असुर है। और वो जैसे ही निकट आया, समीप में आया, तो भगवती जगदम्बा पार्वती के सौंदर्य को देखकर स्खलित हो गया, उसके पैर कांपने लग गए। इसे पुराण में वर्णन है। पार्वती जी समझ गई ये भगवान शिव नहीं, भगवान शिव तो ऊर्ध्वरेता है, कृषानुरेता सर्वज्ञ धुरु जटिर नील लोहिता, तो भगवती शिव नहीं है, ये तो असुर है। भगवती अंतर्धान हो गई। भगवान ने कहा, अच्छा तुमने उपाय बता दिया, तुमने उपाय बता दिया कि ऐसे ही करो तब मैं मरूंगा। भगवान बोले, ठीक है, जैसे को तैसा ठीक है। भगवान ने कहा, तुम शिवजी बन के हमारे परम प्राण प्यारे भक्त शिवजी के का अनिष्ट चाहते हो, पार्वती के सतीत्व को नष्ट करके, तो जो भक्त के प्रति जैसा व्यवहार करता है, मेरा अपना कोई न अनुकूल है न प्रतिकूल है,
भक्त के, भक्त का जो भक्त है वही मेरा भक्त है, और भक्त का जो विरोधी है वही मेरा विरोधी है। इसलिए छल कर तारी उठता सुव्रत, क्योंकि उसने भी छल किया, तो छल का उत्तर भगवान ने छल के द्वारा दिया, भगवान ने अपने ओर से छल नहीं किया। एक बात, दूसरी बात, भगवान ने छल नहीं किया, भगवान ने तो वृंदा के उच्च कोटि के सतीत्व का चरम फल उसे प्रदान किया, क्योंकि भागवत के पंचम स्कंध में भगवती लक्ष्मी जी स्तुति करते हुए कह रही हैं, स्त्रियाह व्रतस्त्वाम ऋषिकेश्वरम पतिम, हे भगवन संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो पातिव्रत धर्म का पालन ही इसलिए करती हैं कि उनके पातिव्रत धर्म के पालन का उत्कृष्ट फल है आपकी प्राप्ति, वो पति रूप में वस्तुतः आपको ही पाना चाहती हैं। तो वृंदा का सतीत्व इतना उत्कृष्ट कोटि का है, उस सतीत्व का फल ही है भगवान की प्राप्ति। यदि भगवान की प्राप्ति वृंदा को नहीं होती है तो उसका धर्माचरण, पातिव्रत धर्म का आचरण व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान तो संपूर्ण जीवों के कर्मफल प्रदाता हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। तो भगवान तो कृपा करने के लिए पधारे, भगवान ने कौन सा किया, ये भगवान की तरफ से वकालत है। दूसरी, तीसरी बात यह है कि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने वृंदा का कुछ अनिष्ट नहीं किया, इस दैत्य का कवच वृंदा का सतीत्व बन रहा था तो भगवान ने कवच तोड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने क्या बुरा किया, भगवान ने कवच तोड़ा। कितने कारण हो गए, तीन, अब चौथा सुन लीजिए। ये तुलसी भगवान के नित्य गोलोक की भगवान की प्रियतमा ही है, श्री राधा रानी ने इनको कोप से बाहर निकाला है और इनकी बड़ी महिमा है। इसको ठीक से पढ़ना हो, सुनना हो तो देवी भागवत में जो तुलसी के अवतरण का प्रसंग है, नित्य गोलोक से तुलसी कैसे धरती पर आई, वो सुनने योग्य है भैया जी, वो सुनना चाहिए। ये तुलसी कैसे धरती पर आई, तो इन्होंने पहले भगवान को ही पति रूप से पाने के लिए तप किया। जब ये धरती पर आई और इन्होंने तप किया तो उस समय भगवान की इच्छा, ये लीलाधारी है ना, कोई लीला करना इनका स्वभाव है। तो तुलसी तप कर रही थी वृंदा और उसी समय गणेश जी आ गए, लंबोदरम परम सुंदर मेक दंतम। परम सुंदर हैं गणेश जी, ऐसे नहीं है कि बेडौल हों, बड़े सुंदर लगते हैं गणेश जी, बहुत सुंदर हैं गणेश जी, गजमुख होने पर भी बड़े सुंदर हैं। तो गणेश जी को देखकर तुलसी जी का भाव उधर चला गया और उन्होंने प्रस्ताव कर दिया, आप हमें प्राप्त हो। उन्होंने करे, तुम भगवान नारायण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो और तुम्हारी बुद्धि व्यभिचरित हो गई किसी सुंदर पुरुष को देख करके, ये तो ठीक नहीं है। और तुम भगवान को पति रूप से पाना चाहती हो और भगवान मेरे पूज्य पिता शिव जी के प्राण सखा हैं, शिव रूप ही हैं, शिव हरि हर में भेद नहीं है। इस दृष्टि से जो मेरे पिता का स्थान है शिव जी का मेरे लिए, वही नारायण का स्थान है। तो नारायण भी मेरे पिता के, तो शिव जी तो मेरे पिता ही हैं, नारायण भी मेरे पिता ही हैं और तुम उनको पाना चाहती हो, तो धर्मतया तुम मेरी माता हुई और तुम इस प्रकार का प्रस्ताव कर रही हो, ये तो ठीक नहीं है।
पर भगवान की इच्छा लीला तुलसी ने फिर भी हट किया। तब गणपति ने श्राप दे दिया कि इस जन्म में तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, अगला जन्म तुमको फिर लेना पड़ेगा और तुम्हारा दैत्य से होगा, पर वहां भी तुम परम पतिव्रता होगी, लेकिन उस जन्म में भगवान तुमको न चाहते हुए भी मिल जाएंगे और तुम तुलसी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करोगी, लेकिन हमारी तुम्हारी तो कुट्टी है गई, लड़ाई है गई, इसलिए सब तुलसी स्वीकार करेंगे पर मैं अपनी पूजा में तुलसी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए गणेश जी को तुलसी चढ़ती नहीं, इसलिए गणेश जी पूजा में तुलसी स्वीकार, ये ब्रह्मविवर पुराण की कथा है। बहुत कथाएं हैं पुराणों में, तरह तरह की कथाएं, एक कथा को कहने के लिए कई ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ता है। जलंधर बन के ठाकुर जी पहुंच गए और जलंधर बन के पहुंच गए तो वृंदा ने यही समझा कि मेरे पति ही हैं, और भगवान ने वृंदा को अपनी छाती से लगाया तो समझ गई वो कि ये मेरे पति नहीं हैं, इनके श्री अंग की दिव्य सुगंध बता रही है, मेरे पति के शरीर की गंध ये नहीं है, है? अरे कहाँ असुर जालंधर, तो कहाँ भगवान सच्चिदानंद घन, उनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध, ये मेरे पति नहीं है, ये पति के शरीर की गंध नहीं है, कौन हो तुम? भगवान मुस्कुराए, चतुर्भुज हो गए, बड़ा प्रसन्न होना चाहिए था, चरणों में पड़ जाती, प्रभु आपने मुझ दासी को हृदय से लगाया, कृतार्थ किया, धन्य है प्रभु आपकी। वो महाराज तिलमिला उठी, ओ पाषाण हृदय विष्णु, तुम्हारा हृदय पत्थर के जैसा कठोर है, तुमको एक पतिव्रता पर तनिक भी दया नहीं आई, मेरे व्रत को भंग कर दिया, मैं श्राप देती हूं तुम शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। भगवान बोले, प्रेम जब होता है ना उसमें गाली फटकार मार सब सहन करना पड़ता है, और हमारा प्यार तुमसे हो गया है, हाँ तुम हमें मानो न मानो हमने तुमको मान लिया, तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना, जैसे भक्त कहता ना, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके, ऐसे हम भी तुमको अपना बना चुके हैं, हमने अपना लिया है तुमको, मैं पाषाण हो जाऊंगा, शालिग्राम हो जाऊंगा, असंख्य रूपों में शालिग्राम होऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा फिर भी तुमको नहीं, तुमको तुलसी बनकर निरंतर हमारी सेवा में ही रहना पड़ेगा, चार प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर शालिग्राम जी उन पर तुलसी चढ़ी रहती है। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। तो तुलसी को भगवान ने वृंदा को उनका चरम फल प्रदान किया। हाँ और सुन लीजिए, अब कहे तो पूरी बात कह दें, भगवान ने वृंदा सती हो गई, जलंधर का मस्तक गोद में रखकर वो सती हो गई, क्या प्रेम है, एक मानता ही नहीं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ठाकुर जी रोने लगे, वृंदा के वियोग में रोने लगे भगवान, महाराज जी चिता भस्म लेप करने वाले शिवजी तो है ही हैं, पर वृंदा और जलंधर जहां सती हुई थी वृंदा, उस भस्म को भगवान ने अपने शरीर पर धारण किया, रोने लगे भगवान, वृंदा मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकता। उसी समय तुलस्यमृत जन्मासी, आकाश से अमृत की वृष्टि उस भस्म में हुई और उसमें से तुलसी का पौधा प्रकट हो गया, भगवान ने छाती से लगाया, भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बोलो तुलसी महारानी की जय।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।